अखिल सुहाग पूरी छत की भी सफाई की है और डब और कॉकटेल और रिंगने के जो ट्रे लगी हुई है ये तीनों ट्रे भी निकाल कर साफ करके दोबारा मैंने लगा दी है और इनका भी ये केज मैंने साफ कर दिया है, ट्रे और इनकी बर्तन भी साफ कर दिया, दूसरे जितने भी केज पड़े हुए हैं ये केज भी साफ कर, यहाँ नीचे भी काफी कचरा निकला है, काफी दिनों से मैंने सफाई नहीं की थी। और ये जोड़ा भी दोनों ये इस तरह पड़े हुए हैं, ये भी जाकर अपनी मटकी में बैठ रही है और वो फीमेल भी जाकर अपनी मटकी में बैठ रही है और लवर सारे इस तरह बैठे हुए हैं, कुछ उस तरह बैठे हुए हैं और कॉकटेल भी देखे माशाल्लाह। मैं समझ रहा था ये यहाँ पर नहीं खाएंगे पिएंगे, इनको निकालना पड़ेगा केज माशाल्लाह, मगर अब ये तीनों सेट हो गए, दो ये नीचे बैठे हुए और एक ये ऊपर बैठा हुआ है, तो इनमें आपस में लड़ाई भी नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अजीत इंशाल्लाह वो जल्दी काम होने वाला है जिसका काफी टाइम से इंतजार था, तो आज सुबह मिस्त्री आया हुआ था पूरी छत की लोहे की पेमाश करके गया, तो इंशाल्लाह जल्दी छत लग जाएगी और हम सारे परिंदों को एक जगह पे रखेंगे और इनका सेटअप बनाएंगे। अभी फिलहाल कुछ परिंदों यहाँ पर पड़े हैं और कुछ कबूतर उस तरफ है, ये शेरू गब्बर इस तरह पड़े हुए हैं, हर किसी का केज अलग अलग जगह पे पड़ा हुआ है, ये सारे परिंदे इस तरह पड़े हुए हैं और ये कबूतर इस तरफ हैं, तो सबके लिए इंशाल्लाह एक जगह पर ही सेटअप बनाएंगे, इनका ऊपर छत पर पूरा परिंदों का सेटअप बनाना है, इंशाल्लाह वो काम जल्दी शुरू होगा। अजी दोस्तों ऊपर दो कमरे बनवाने हैं जिसमें सारे ये परिंदे रखने हैं और उसके ऊपर जो छत बनेगी तो उस पर कबूतरों का इस तरफ सेटअप लगाएंगे, वहां से आराम से कबूतर उड़ा भी सकेंगे और उनका शौक भी सही से कर पाएंगे, तो चलकर कबूतरों के बच्चे भी देखते हैं और शिराबियों के अंडे भी चलकर देखते हैं। अजी दोस्तों ये देखें, ये पंजाब वाली फीमेल का ये एक बच्चा माशाल्लाह, ये भी काफी बड़ा हो चुका है और ये कल भी देख रहा था ये केज से बाहर निकल आया था, और दो बच्चे इस तरफ बैठे हुए हैं, ये भी माशाल्लाह दोनों बड़े हो चुके हैं, कुछ दिनों में ये भी यहाँ से अपनी जगह से निकल आएंगे बाहर। अजीत हम चलकर शिराजी कबूतरों के अंडे भी देखते हैं, और नीचे राह भी बोल रहा है, उसकी अभी भी आवाज़ आ रही थी मगर चुप हो गया, और ये देखें आवाज़ आ रही है अभी भी शिरा, ये भी जोड़ा माशाल्लाह बन चुका है, जो मैंने ये पंजाब वाली एक फीमेल जो यहाँ पर छोड़ी थी 35 साल कबूतर के साथ लगाई थी, वो मेरे ख्याल में अभी भी इनका जोड़ा नहीं बना, ये फीमेल है और मेल मेरे ख्याल में ये था, तो इनका अभी तक जोड़ा नहीं बना। और ये देखें दोनों अंडे इनके पड़े हुए हैं, ये मेरे ख्याल में अपने दाने के इंतजार में इस वजह से अपने अंडों से उठ गए हैं, तो इनके लिए दाना भी लेकर आते हैं। अजी तो कबूतरों के लिए दाना लेकर आए हैं और इनको दाना डाल देते हैं, ये अपना दाना खा लेंगे, और इनके लिए ये पानी भी पड़ा हुआ है, चलकर बाहर दूसरे परिंदों को भी दाना पानी देते हैं, वो भी अपने दाने के इंतजार में, ये देखें जहाँ भी जा रहा हूँ ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरे ख्याल में ये भी भूखे हैं तो इनको भी दाना डाल देते हैं। सुबह भी जैसे उठता हूँ सवेरे इनके लिए रोटी और चावल भिगोए हुए वो लेकर आता हूँ, रात के टाइम अगर बच जाते हैं तो भिगो कर रख देता हूँ, रोटी भी और चावल भी सुबह आकर इनको सबको डाल देता हूँ, तो ये सब मसाला खा लेते हैं। और ये 0 साइज में भी ये इसने पहले अजी ना ये जैसे ही आई थी तो इसने तकरीबन 15 या 16 अंडे दिए थे, उसके बाद इसने अंडे देना बंद कर दिए मेरे ख्याल में शायद गर्मी की वजह से ही, और ये गोल्डन एवी वक्त की फीमेल, इसके मैंने ये नीचे से पर मैंने काट दिए थे गर्मी की वजह से और उसका मेल मर गया था, इसके लिए इंशाल्लाह जल्दी दूसरा मेल भी लेकर आएंगे। अजीत शेरों को भी दाना दे दिया है और गब्बर के भी कैज में दाना डाल दिया है, ये भी अपना दाना खा रहे हैं, शेरू भी और ये गब्बर भी और ये मुर्गी भी, और इनका भी पानी भी पड़ा हुआ है, ये देखें शेरू ने सारा दाना अपना गिरा दिया नीचे। अजीत हम इन परिंदों को भी दाना डाल देते हैं, ये भी अपने दाने के इंतजार में, और इनका भी दाना मेरे ख्याल में ये खत्म हो गया है, तो इनके भी बर्तन में थोड़ा सा दाना डाल देते हैं। ये वाला मुर्गा देखें, ये सुबह जब भी उठता है तो जैसे तीतर आवाजें करता रहता है मुसलसल, तो ये भी ऐसे ही तीतर की तरह काले तीतर की तरह आवाजें देता रहता है, अभी इसने आवाज निकाली और फिर से इसने आवाज निकाली, ये जाकर गब्बर से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। अजीब मुर्गियों को भी दाना दे दिया, कबूतर भी आ रहे हैं अपना दाना खाने के लिए, और आ भी देखें काफी टाइम से नीचे बोलता जा रहा है, और इनको भी बजरी को जो ब्रीडर जोड़े हैं इनको भी दाना दे दिया, इनके केज में काफी चीटियां आ गई हैं तो इनके केज में टाइगर पोंड्रा लगा देते हैं, इनके केज के नीचे भी और अंदर थोड़ा सा दाने की तरफ ये टाइगर पोंड्रा लगा दिए, यहाँ से ये चीटियां आ रही है इस तरफ केज के ऊपर, और ये देखें अभी भी घूम रही है, ये थोड़ी देर में ये मेरे ख्याल में यहाँ से भाग जाएंगी या मर जाएंगी। अजीत कॉकटेल का बच्चा आपको दिखा रहा हूँ, कल मैंने जैसे ही ये बॉक्स चेक किया और कॉकटेल का बच्चा निकाल कर हाथ में देखा तो उसकी मुझे थोड़ी सी टांगे टेढ़ी नजर आ रही थी,
आपको भी दिखाता हूँ। अजय सो ये देखें, इसकी ये टांग जो है, इस तरफ जो ये टांग है, ये बिल्कुल इस तरफ टेढ़ी हो गई थी, तो ये मैंने हल्की सी रस्सी से बांध दी है, जैसे इसको जख्म भी ना हो और ये इसकी टांग भी सीधी हो जाए, तो ये मैंने सही से बांध दी है। अब ये सीधी करके बैठ रहा है, वरना इसकी ये टांग जो थी बिल्कुल इस तरफ निकल आ रही थी बाहर। मेरे ख्याल में यहाँ तो लकड़ी का बुरा बिल्कुल कम है, इस वजह से ये निकल रही थी, यहाँ तो कुछ और मसला था, तो ये मैंने बांध दी है। ये थोड़ी सी यहाँ से नीचे आ गई है, तो ये उठाकर ऊपर थोड़ी सी बांध देते हैं। अजय तो मुझे यही हल नजर आया, मैंने सोचा इससे ही शायद इसकी टांग ये ठीक हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, वरना इसकी ये टांग बाहर की तरफ निकल आएगी, क्योंकि ये जिस तरह ये बैठ रहा था, तो ये इसकी टांग ये वाली जो टांग थी बिल्कुल इस तरफ निकल आ रही थी और दूसरी टांग इसके नीचे ही थी। मैंने ये अजीब हूँ, अगर आपको कोई तरीका तो समझ में आए इसकी टांग ये कैसे ठीक हो सकती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कॉक्टेल के बच्चे को भी अंदर बॉक्स में रखी आए, और आप मेरे लिए दुआ करें कि जल्दी मेरा सेटअप बन जाए, और बहुत सारा सपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी में अपना ये परिंदों के लिए अच्छा सा सेटअप बना सकूं। और ये देखें कबूतरों की, जंगली कबूतर भी आ गया है नीचे दाना खाने के लिए, मगर जैसे मुर्गियां दाना नहीं खाने दे रही, तो ये जब खा के यहाँ से हट जाएंगे तो मैं दोबारा दाना डाल दूंगा इनको, तो ये अपना दाना कबूतर भी खा लेंगे। मुर्गियों को यहाँ दाना दिया था और कबूतरों को यहाँ पर दाना दे दिया, मगर यहाँ पर भी मुर्गियाँ आ गई, और ऊपर किसी के कबूतर उड़ रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और मौसम भी आज बड़ा प्यारा बना हुआ है, धूप भी नहीं निकली, ये देखिए माशाल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा बना हुआ है, और यहाँ भी कबूतर उड़ रहे थे, तो मेरे ख्याल में वो नीचे उतर गए। और ये देखिए मौसम भी आज बड़ा प्यारा बना हुआ है। अजीब सा बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी बेहतर हो गया है, तो परिंदे भी माशाल्लाह काफ़ी खुश होते हैं। अजीब दोस्तों वीडियो का भी यही एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारा सपोर्ट करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।